लेफ्ट में शिल्पा जी, में शिल्पा जी अभी लेफ्ट में, शिल्पा जी एक्सक्यूज में, सब लोग अभी लेफ्ट में यहाँ पे, एक्सक्यूज में मैम, एक्सक्यूज में, लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, एंड एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर द फिल्म, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड वी वॉन्ट एवरीबडी टू सी इट, इट्स वेरी नाइस फिल्म एंड इट्स ऑल अप टू यू एंड वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. I think the whole movie itself is a very big memory for both of us. From the beginning, from the selection, from the audition, till all this Even wrap now, up, our first interview, it's a big memory for us. All the journey of Dangal, na, the whole journey is itself it's a big achievement. It's a big memory and we had a lot of fun. सबसे ज़्यादा चाहूँगा अभी सीक्रेट सुपरस्टार भी आ रही है आपकी, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है? वो हम नेक्स्ट डे बात करते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ. नॉट रियली, आई डोंट रियली फील लाइक अ सेलिब्रिटी, आई जस्ट फील लाइक एन ऑर्डिनरी गर्ल. इवन इफ वी आर अ बिग सेलिब्रिटी और वी आर अ स्टार, वी शुड बी डाउन टू अर्थ एंड वी शुड बी फ्रेंडली विद ईच विद एवरीवन. So even if you are a big the big celebrity, even if you achieve anything, you should be down to earth and you should be very kind. So we just we're not behaving ourselves like an actor, but and moreover we didn't do this movie merely for fame. Yeah, of course we really had a lot of respect for this movie and the script, so that's why we had to be there. आप दोनों ने गाइस वेल पहली मूवी कौन सी देखी थी, आपकी क्या मेमोरीज है? Actually we look forward to Aamir sir's picture because वो काफ़ी you know साल में एक बार आती है and we look forward to it because उनकी फिल्म का अलग ही लेवल होता है. तो I think Gajni was my first film. Thank you.
अच्छा मिल रहा है काफी. थैंक यू सो मच. बराबरी का दाव दिया है नहीं दिया है? नहीं बिल्कुल. आमिर खान जी से मैं स्टार्ट करूंगी. सबसे पहले तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता का रोल बखूबी निभाया है और उन्होंने जो जितनी मेहनत की है वो फिल्म में दिख रही है. तो और मेरा नाम फातिमा सना शेख है जो फाइनल में बाउट में लड़ती है और बबीता के दिल में शना है. तो दोनों ने बखूबी किरदार हमारे निभाए हैं और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छे से कोई और निभा पाता हमारा रोल. और कुछ टेक्निक्स कुश्ती में ऐसी भी लगाई इन्होंने जो मैं नहीं लगा पाती. तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. नहीं हमारी बहने हैं हम ही हैं. बिल्कुल जो कि हमें लगी है वो झलक है. हमें लग रहा कि उस रोल में हम ही घुस चुके हैं. जो इन्होंने रोल निभाए वो बेखूबी बहुत ही शानदार. मैं शायद उसकी तारीफ इतनी कर नहीं पाऊंगी जितना बोल के जितना इन्होंने किया है. जी उन्होंने हमसे यही बोला कि वेल डन बेस्ट ऑफ लक और आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए और पूरी दुनिया आपको देखेगी और कुछ सीखेगी. और सब और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों को पता चलेगा और इसको देखकर और भी लड़कियां इसमें आगे आएंगी स्पोर्ट्स में किसी भी क्षेत्र में. तो लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा इस फिल्म को देखकर. सचिन और राज ठाकरे जी का उन्होंने तो बहुत तारीफ की. मतलब बहुत उन्हें बहुत अच्छी लगी फिल्म. उन्हें हमारा काम अच्छा लगा. छोटी गीता बबीता बड़ी गीता बबीता आमिर सर तो मैं खुश हूँ कि सबको अच्छी लगी. जी आपसे एक सवाल. आप काफ़ी खुल के बात करती हैं. हमारे बॉलीवुड के काफ़ी स्टार्स हैं जो फेयरनेस क्रीम इंडोर्स करते हैं. तो क्या ये रेसिज्म की दर्शाता आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? फेयरनेस क्रीम को इंडोर्स करते हैं हमारे बॉलीवुड स्टार उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गोरेपन की जो क्रीम होती है. देखिए है तो इंसान ही गोरा काला उसमें क्या हुआ इंसान तो सही है या गलत है वो एंडोर्स करना. देखिए दंगल फिल्म आ रही है उसके बारे में बात करिए तो वो अच्छा रहेगा. क्या आज हमने स्क्रीनिंग देखी है फिल्म देखी है हम उस बहुत खुश हैं उसको लेकिन तो उस बारे में बात करो तो अच्छा रहेगा. आपको जवाब जो है ना सामने देखना चाहे सुनेंगे आप यहाँ से. ओके हमने कई लोगों से बात की उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा ये फिल्म ऑस्कर के लिए जानी चाहिए. वाओ यस जानी चाहिए बिल्कुल. हमें उम्मीद है कि जाएगी ऑस्कर के लिए. आई थिंक अगर ये हमारा काम और लोगों को अगर बहुत अच्छी लगी मूवी आई थिंक मेरे लिए वही ऑस्कर होगा. हाँ मेरा सबसे बड़ा अवार्ड वही होगा. अगर मेरी पहली मूवी है फातिमा की भी और अगर लोगों को ये अच्छा लगा इससे बड़ी मेरे से आई थिंक ऑस्कर भी इससे बड़ी बात नहीं होगी. अगर आई थिंक ऑडियंस का प्यार सबसे बड़ा होता है. अवार्ड्स तो मिले या ना मिले वो पता लगे लोग क्योंकि लोगों का प्यार आपके साथ ज़्यादा रहता है. अवार्ड तो वहाँ पे शोपीस की तरह रह जाता है. तो आई थिंक लेकिन दंगल शायद वहाँ रिलीज नहीं हो रही है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो कुछ नहीं मुझे भी नहीं पता. वो तो हमें उनको पूछना पड़ेगा. थैंक यू पापा बताएंगे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.